वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं फेसबुक के बारे में, कैसे है जो फेसबुक है जो पैसा कमाता है। दोस्तों, हम सबको पता है फेसबुक पे अकाउंट ओपन करने के लिए किसी भी तरह के आपको पैसा पे नहीं करना होता, आपको बस फेसबुक पर जाके आप साइन अप करते हैं, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन आपको पता है क्या, फेसबुक पर सिर्फ आप है जो टाइम ज्यादा स्पेंड करें, इसके वजह से जो फेसबुक को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। जी हाँ, काफी सारे फेसबुक के लिए जो कंपनी है, काफी ज्यादा जो फेमस कंपनी है, चाहे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनी है, वो फेसबुक को पैसा पे करती है सिर्फ अपना कंपनी का प्रमोशन के लिए। तो फेसबुक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एड रेवेन्यू है। तो उसके बारे में जानने से पहले हम लोग को ये देखते हैं कि फेसबुक क्या है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्क कंपनी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेस्ड है, और इसका जो फाउंडर थे वो मार्क जकरबर्ग थे, और चार उनके जो फ्रेंड थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो कॉलेज में थे तब है जो वो अपने कॉलेज का डॉर्मेट्री से स्टार्ट किए थे। और फेसबुक का आईपीओ 2012 में हुआ था। फेसबुक का अगर हम लोग करेंट वैल्यूएशन अगर देखते हैं तो $1 trillion से आपका ज्यादा ही है। अगर फेसबुक का अगर एड रेवेन्यू एवरी ईयर देखते हैं तो more than $50 billion से ज्यादा रहता है सिर्फ एड रेवेन्यू फेसबुक का। फेसबुक का अगर मैं टोटल यूजर का बात करता हूँ वर्ल्ड वाइड तो more than 2 billion है। तो आप एक देख सकते हैं कि फेसबुक का जो आपका जो यूजर बेस है वो आपका इंडिया का पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि वाई फेसबुक, लोग फेसबुक पर क्यों यूज करते हैं या लोग फेसबुक पर क्यों अपना अकाउंट ओपन करते हैं। उनके पास तो काफी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आपका गूगल का आपका जीमेल है, फिर आपका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, पिनइंटरेस्ट है, मतलब फेसबुक क्यों। तो फेसबुक तो पहला कि आपका सोशल नेटवर्क कंपनी, और फेसबुक का बेनिफिट ये होता है कि जिस तरह से अगर आपके पास एक जीमेल अकाउंट होता है तो कहीं भी आप साइन अप कर सकते हैं, किसी भी कोई भी है जो आप इंटरनेट का कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो अगर आपका जीमेल अकाउंट है उससे आप ओपन कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपका फेसबुक का अकाउंट है तो फेसबुक के अकाउंट से आप इंस्टाग्राम पे है जो अपना लॉग इन कर सकते हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, चाहे आपका पिनइंटरेस्ट हो गया, कहीं भी आपका जो आपका सोशल कोई भी आपका प्लेटफॉर्म ले लो, सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म, अगर आपका फेसबुक का अकाउंट है तो उसके जरिए उसके थ्रू आप कहीं पर भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो एक तरह से फेसबुक का एक लोगों का क्या होता है, एक एक्सपेक्टेशन हो जाता कि जिस तरह से उनके पास एक जीमेल अकाउंट होना कंपलसरी हो जाता है, उसी तरह फेसबुक का भी अकाउंट वो चाहते हैं कि उनके लिए सही रहता, ताकि वो अपने फ्रेंड फैमिली और कहीं भी स्ट्रेंजर पर्सन से भी है जो ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक के द्वारा। तो अब ये है कि लोग है जो फेसबुक पे क्यों अपना टाइम स्पेंड करते हैं। पहले बेनिफिट ये होता है कि फेसबुक के जरिए वो काफी ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड वो टॉक कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन के या नोन पर्सन से। दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि फेसबुक के थ्रू आप हर तरह का स्टोरेज अटैच कर सकते हो, चाहे आप मैसेज सेंड कर सकते हो, फेसबुक का मैसेंजर है जिससे आप कॉल कर सकते हो, लाइक आप जिस तरह से आप फोन से बात करते हो उस तरह से आप फेसबुक मैसेंजर से भी बात कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये बिल्कुल फ्री होता है। और जैसे हम लोग फेसबुक पर अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो फेसबुक के पास एक हम लोग का डेटा हो जाता है, मतलब हम लोग का कौन सा इंटरेस्ट है, किस तरह का टॉपिक हम लोग का इंटरेस्ट आ रहा, कौन सा सेलिब्रिटी पे हम लोग को ज्यादा पसंद आ रहा, यहाँ तक कि हम लोग कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपका फेसबुक के डेटा के पास रहता है जो आप फेसबुक ऐप के बाहर इस्तेमाल करते हो। तो फेसबुक के जो डेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में जिस कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा डेटा वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह से भी फेसबुक का रीनेम हो गया है वो आपका फेसबुक का जो मेटा करते हैं, तो मेटा का यही है एक वर्चुअल रियलिटी आपका प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक है जो बना रहा, जहां पे आप ऑनलाइन जिस तरह से अभी आप ऑनलाइन मीटिंग करते हो उस तरह से वर्चुअल रियलिटी में आप एक तरह से मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वहां पर आपको रहने का कोई जरूरत नहीं, वहां पर आप प्रेजेंट नहीं भी रहो तो एक वर्चुअल रियलिटी के बेस पे आपको जो मीटिंग आप किसी भी वर्चुअल वर्ल्ड में किसी से मिल सकते हैं। काफी ज्यादा बेनिफिट ये है, और ये फेसबुक का इसलिए जब वो रीब्रांड मेटा की थी तो उनको पता था कि आने वाले टाइम में जब वेब 3 जब आ रही है तब फेसबुक का और ज्यादा डिमांड होने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोग है जो इंटरनेट पे अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। अगर एक रिसर्च डेटा के माने तो एक पर्सन जो है ऑन एन एवरेज 2.5 hours डेली सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करता, उसमें आपका फेसबुक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। फेसबुक के अलावे आपका आ जाता है इंस्टाग्राम आता है, स्नैपचैट आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है, ट्विटर आ जाता है। तो ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, और हमारे जो लाइफ है वो आप देखा जाए तो सोशल मीडिया के बिना देखा जाए तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है।
क्योंकि 1 month पहले देखिए फेसबुक का जब सर्वर डाउन हो गया था तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर ये समय जो आपका 2-3 hours के लिए जो बंद पड़ गया था, तो है जो नहीं काम कर रहा था उस टाइम में, जो काफी ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि ऐप है जो वो डाउन हो गया था, तो काफी ज्यादा कम्युनिकेशन है जो आपका हॉल्ट पर आ गया था क्योंकि आप व्हाट्सएप का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एवरीडे आप कम्युनिकेशन के लिए, आपका ऑफिस पर्पज के लिए, बिजनेस के लिए। उसी तरह आपका इंस्टाग्राम का भी है जो फेसबुक अदर सब्सिडी, उसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फेसबुक का बेनिफिट ये होता है कि उसका जो 2 सब्सिडरी है जो सबसे ज्यादा फेमस चल रहा है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इसके वजह से फेसबुक का यूजर बेस है जो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा, और उसके वजह से ये हो रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी अपना प्रोडक्ट को प्रमोशन है जो फेसबुक पे करती है। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ फेसबुक मेक्स मनी। अब आपका पहला क्वेश्चन ये आता है कि फेसबुक का तो आप पेमेंट तो नहीं कर रहे हो, आपको किसी भी तरह का आप सर्विस है जो फेसबुक पे नहीं ले रहे हो, तो आपको फेसबुक पे तो आपको डायरेक्टली आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता, तो फेसबुक कैसे है जो आपसे पैसा लेता? तो फेसबुक डायरेक्टली आपसे पैसा नहीं लेता। फेसबुक का जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट फेसबुक पे है जो अपना प्रमोशन करती है, तो जो यूजर है, मान लीजिए अभी 2 billion से ज्यादा आपका फेसबुक का यूजर है, वो यूजर क्या सर्च करते हैं ये सारे डेटा आपको फेसबुक के पास रहता, तो वही यूजर के पास वो प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनी जिस यूजर को वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। और इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो कंपनी है उनको एक है जो काफी ज्यादा उनको कस्टमर मिल जाते हैं, और फेसबुक का एक बेनिफिट ये हो जाता है कि उनको फ्री में ही जो कस्टमर मिल जाते हैं, क्योंकि 2 billion से ज्यादा आपका फेसबुक पे आपका यूजर बेस है, तो उनको फ्री में जो फेसबुक का यूजर मिल जा रहा है, कंपनी जो अपना प्रोडक्ट को प्रमोशन करती है तो उनको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक उनका प्रोडक्ट का भी रीच भी हो जाता है। इससे जो कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा, फेसबुक का भी प्रॉफिट हो रहा, और एज ए यूजर हम लोग को प्रॉफिट होता है क्योंकि हम लोग को वो कंटेंट में इंटरेस्ट है, तो फेसबुक हम लोग को ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट को है जो हम लोग को सजेशन प्रोवाइड करती है। अब हम लोग का देखते हैं कि कंपनी कैसे अपना जो कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोशन करती है। सपोज दैट आपका एक बर्गर का कंपनी है, मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है वो आपका बर्गर सेल करती है, और आपका नया नया जो कंपनी आपने लॉन्च किया, आप चाहते हैं कि मेरा कस्टमर बेस है जो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो उसके लिए आपका कस्टमर बेस ज्यादा इंक्रीज हो इसलिए आप अपना फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अब जो वो बर्गर का एड है वो वही यूजर को जाएगा जो यूजर को बर्गर खाने में दिलचस्पी है। इससे क्या हो रहा है कि जो यूजर को बर्गर खाने में दिलचस्पी वो ज्यादा से ज्यादा वो एड को देखेंगे, और वो वही एड पे देख के जाके वो कंपनी पे वेबसाइट पे जाके वो ऑर्डर करेंगे। तो इससे क्या हो गया, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा यूजर, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रीच भी हो गया, और फेसबुक को क्या हो गया कि आपको फ्री में आप एक कस्टमर बेस मिल गया, और कंपनी का वो प्रोडक्ट भी है जो प्रमोशन हो गया। अब इसका क्या होता है कि जो फेसबुक का एड होता है वो डिपेंड करता है आपका सप्लायर डिमांड पे, कभी आपका एड का प्राइस ज्यादा होता है, कभी आपका प्राइस कम हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। पैंडेमिक में अगर आप देखते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता था कि नहीं पैंडेमिक में फेसबुक का एड रिवेन्यू कम जाएगा, बट ऐसा नहीं था क्योंकि ये आपका ऑनलाइन कंपनी है, तो आप जब पैंडेमिक में ज्यादा तो आपका लॉकडाउन भी सिचुएशन चल रहा था इंडिया में, तो ज्यादा तो लोग है जो ऑनलाइन है जो एक दूसरे से कनेक्ट थे, उसमें क्या हो रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो सर्च कर रहे थे वो प्रोडक्ट को, और उसकी वजह से कंपनी को ज्यादा प्रमोशन हो रही थी। अगर फेसबुक का एड रिवेन्यू को बात करते हैं 2020 का तो वो $85 billion से ज्यादा था, और 2021 का बात करते हैं तो ये यहाँ भी आपका $50 billion से ज्यादा था। अब हम लोग को ये देखते हैं कि फेसबुक पे कौन सा कंपनी है जो अपना ज्यादा प्रमोशन करती है। तो फेसबुक पे जो ज्यादा जो प्रमोशन होता है वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनी होती है, जो छोटे स्मॉल कंपनी होती है वो आप उसके कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा है जो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपका कस्टमर बेस इंक्रीज हो, तो वो अपना ज्यादा प्रोडक्ट है जो फेसबुक पे प्रमोशन करते हैं। फेसबुक का प्रमोशन करने में इसलिए एक तरह से बेनिफिट है क्योंकि अगर आप एक तरह से प्रमोशन करते हैं, पैम्पलेट बंटवाते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा पैसा खर्च होता और ज्यादा कस्टमर का रीच भी नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो पैम्पलेट लेते हैं वो आपका पैम्पलेट एक बार लेते हैं फिर फेंक देते हैं। बट आपका ऑनलाइन मीडिया वही आपका है, ऑनलाइन मीडिया में क्या है कि जो लोग आपका एड देखेंगे वही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका जो कस्टमर 10,000 है, 10,000 में 2,000 ही कस्टमर है जो आपका फेसबुक का एड पे क्लिक किए, तो आपको 2,000 जो कस्टमर का जो क्लिक किए हैं तो आपको पे पर क्लिक है जो उस पर आपको पैसा पे करना होता। मान लीजिए आपको एक क्लिक का पैसा देना पड़ता 1 rupees, तो आपको 2,000 क्लिक हुआ तो 2,000 पे करना पड़ रहा, तो उसमें एक प्लस पॉइंट होता एज ए कंपनी को कि आपका जो स्मॉल मीडियम कंपनी उसको कम पैसे में ज्यादा कस्टमर रीच हो जाता है। लेकिन अगर वही आप ट्रेडिशनल मीडिया देखते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर में भी एड डलवाते हैं या पैम्पलेट बंटवाते हैं,
तो उसमें ज्यादा आपका पैसा भी बर्बाद होता और उसमें आपका कस्टमर जो रीच होता आपका कम होता। कंपेरिजन में अगर देखते हैं तो फेसबुक गूगल एड में ज्यादा कस्टमर का रीच होता। अब हम लोग वही बात करते हैं कि फेसबुक का जो आपका एड और गूगल एड है, तो आपका फेसबुक का भी देखा जाए तो फेसबुक जो स्टार्ट हुआ था तब वो उतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए फेमस नहीं था, लेकिन पिछले 3 ईयर्स का आप डेटा देखते हैं तो फेसबुक का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका गूगल से कम्पीट कर रहा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स का ये डेटा देखते हैं तो इसमें ये डेटा में आप देख सकते हैं जो मार्केट शेयर है एड रेवेन्यू का उसमें आपका फेसबुक का आपका 23.2 है और आपका गूगल का 28.9 है, और फेसबुक और गूगल को कम्पीट जो कर रहा वो आपका अमेजोन है, अमेजोन का आपका 10.5% के अप्रॉक्स है। तो आप देख सकते हैं कि फेसबुक का जो है आपका काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन गूगल से चल रहा, गूगल एड से चल रहा, क्योंकि फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा उनका एक बेनिफिट ये हो जाता है कि लोग ना चाहते हुए भी फेसबुक पे वो एड देख लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो टाइम स्पेंड करते हैं फेसबुक पे तो ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी को प्रॉफिट होता है एडवर्टाइजमेंट के मॉडल पे। अगर फेसबुक का बिजनेस मॉडल का बात करते हैं तो उनका बिजनेस मॉडल है जो बेस होता है बिल्डिंग कम्युनिटी एंड पीपल टुगेदर। इसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो कम्युनिटी और जो लोग हैं फेसबुक पे वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे पे इंटरेक्ट होते हैं और एक दूसरे पे ज्यादा से ज्यादा आप टाइम स्पेंड करते हैं फेसबुक पे एक दूसरे से चैटिंग करके। फेसबुक पे सिंपली क्या है कि आप किसी भी तरह का आपका जो फीलिंग है, आप कहीं घूमने जाते हैं, एडवेंचर जो भी आपका एक्टिविटी है, आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा रीच होता और ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं फेसबुक के थ्रू। फेसबुक का जो मेन फोकस वो होता है वो डेटा पर ही होता है, कस्टमर का इंटरेस्ट क्या, कस्टमर को हॉबी क्या, लाइक्स डिसलाइक क्या, कस्टमर का जो लाइक डिसलाइक है फेसबुक कंपनी उसी को यूज करके वही एड है जो पोस्ट करती है जो आपको कस्टमर को है जो बेनिफिट होता है उससे। और इससे क्या हो रहा है फेसबुक को काफी ज्यादा एड रेवेन्यू आ रहा। अगर फेसबुक का हम लोग बिजनेस मॉडल का भी देखते हैं तो 98% जो फेसबुक का जो रेवेन्यू है वो आपका फेसबुक एड से आता है, 2% ये जो अदर सर्विसेज से आते हैं। दोस्तों आपका क्या कमेंट है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, और हाँ आप चैनल पे अगर नए आए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।